जज लोया केस पर सवाल पूछ लेता हूं। गुजरात इलेक्शंस के 3 हफ्ते पहले यह केस निकली थी और इसको पॉलिटिकली कांग्रेस पार्टी ने यूज किया था। वर्डिक्ट टॉप कोर्ट से आई है। मैं डायरेक्टली आपको पूछूंगा अमित शाह जी, सब लोग कहते हैं कि इसके टारगेट, यू आर द टारगेट ऑफ द लॉबी, देर इज अ लीगल लॉबी, अरुण जेटली ने उनको कहा है डिसरप्शनिस्ट लॉबी, देर इज अ लॉबी दैट इज टारगेटिंग यू इन द जज लोया केस, and the impeachment motion is a response to that. What is your view on the Judge Loya case, the verdict yesterday and the impeachment motion? देखिए, Judge Loya case पहले भी हम कहते थे baseless है, मगर allegation लगाए गए, देश की सर्वोच्च अदालत में गया, देश की सर्वोच्च अदालत ने कम से कम 10 दिन तक इसकी सुनवाई की, out of way जाकर allegation judiciary पे भी लगाए गए, सरकारों पे भी लगाए गए, personally मेरे पर भी लगाए गए। After all, 3 जज की बेंच ने ये निर्णय दिया है। मैं मानता हूं देश की संवैधानिक व्यवस्था में किसी भी बिंदु को अंतिम तो मानना पड़ेगा, या मैं जो कह रहा हूं वही सही है, इस प्रकार से हम देश चलाना चाहते हैं? अब तो माना नहीं जा रहा है। माना नहीं जा रहा है तो देश की जनता देख रही है ना, जनतंत्र में सबसे ऊपर देश की जनता होती है और कुछ छिपा नहीं है अनुभव, ये सारी चीजें जनता बहुत अच्छे तरीके से देख रही है। एक गलत आरोप लगाते हो, पहले एक आर्टिकल लिखवा दिया, बाद में स्पॉन्सर्ड पीआईएल होती है, आरोप लगते हैं, इसके आधार पर जज को बदलने का दबाव बनाया जाता है, बड़ी बेंच बनती है, बड़ी बेंच सुनवाई करती है। अब बड़ी बेंच ने भी जजमेंट दे देने के बाद अगर आप इसको नहीं मानते हो तो फिर न्यायालय को कांग्रेस कार्यालय में ही बिठाना है क्या? जुडिशरी के फैसले को सम्मान करना चाहिए और जुडिशरी के फैसले के खिलाफ अपील की जो प्रोविजन होती है इसको सबका अधिकार है इसके ऊपर अपील करें। पॉलिटिकली तो आप टारगेट है, अभी की बात नहीं है। आपको अगर आप इफ वन लुक्स एट इट, अमित शाह जी, लेट अस बी वेरी फ्रैंक, फ्रॉम द सोहराबुद्दीन केस टू द इशरत जहान केस, और इशरत जहान के टेरर लिंक्स को दबाया गया, उस पर भी खुलासे हुए, रिपोर्ट्स केम आउट, इशरत जहान केस, सोहराबुद्दीन केस एंड द लोया केस, द कॉमन फैक्टर इन ऑल द 3 केसेस इज यू। मगर तीनों जगह पर लीगल और इन्वेस्टिगेशन स्क्रूटिनी के बाद मैं साफ निकला हूं। मैं तो रिसीविंग साइड पर हूं अर्णव जी, ये सवाल आपको राहुल गांधी और उनकी पार्टी को पूछना है कि भैया ऐसा क्यों करते हो? राजनीतिक अखाड़े की लड़ाई जनता के बीच में लड़िए, चुनाव में लड़िए, चुनाव में हार जीत जनता तय करती है, कोई व्यक्ति या कोई पार्टी नहीं कर सकती। सब नेता और पार्टियां अपनी बात रखते हैं, इसके बाद में जनता चुनाव जिताती है, जनता चुनाव हराती है। अगर इसको इसी तरह से डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट और पीआईएल्स के माध्यम से अगर आप करना चाहते हो तो मैं तो रिसीविंग एंड पर हूं, मगर मेरी आज भी ये तीनों केस आपकी बात सही है, मुझे टारगेट कर करे गए, परंतु मैं आज भी संविधान और न्यायिक व्यवस्था में श्रद्धा रखने वाला। व्हाई आर यू द टारगेट? इज इट बिकॉज अमित शाह नरेंद्र मोदी कॉम्बिनेशन इज वीकेंड बिफोर द 2019 इलेक्शंस दैट कैन चेंज द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स? ये जवाब मेरे पास से नहीं मिल सकता क्योंकि मैंने कांग्रेस से जाना नहीं है। कारण वो षड्यंत्र कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं वो आपको पूछना चाहिए उनको।